हेलो फ्रेंड्स, क्वालिफाइड स्टडी IIT चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 3 सेट पूरे हो चुके हैं और ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। CITS एग्ज़ाम, किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम या आने वाले ITI एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो आप इन सेट को बहुत ध्यान से पढ़े। यदि आपने मेरे 3 सेट पिछले वाले नहीं देखे तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप वहाँ से उन सेट्स को देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा मैं। पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं, तो क्वेश्चन इसमें हमारा पहला ऑप्शन है हवाई चप्पल, कैनवास शूज और सी नंबर है लेदर शूज और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लेदर शूज, क्योंकि दोस्तों कारखानों में अधिकतर लेदर शूज ही प्रयोग किए जाते हैं, जिससे पैरों की सेफ्टी हो सके। कोई भी सामान गिरेगा पैर पे तो उसमें हमारा पैर डैमेज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँगा मैं। कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ग्राइंडिंग मशीन। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार ये 7 दिनों की अवधि है जो निम्न की मध्यरात्रि से प्रारंभ हो जाती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोमवार। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँगा मैं। हैंड फाइल होती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चौड़ाई में समांतर और मोटाई में टेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा टूल जॉब की सतह से अनावश्यक धातु को हटाने के काम आता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाइल और चीजल दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँगा मैं। इस प्रकार के दांते रेती के फेस पर तेज नुकीले एक कतार में होते हैं। इनका प्रयोग लकड़ी, चमड़ा और अन्य गर्म पदार्थों को रेतने के लिए किया जाता है, रेतने के लिए करते हैं, इस रेती को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेस कट रेती। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँगा मैं। बृहत आंतरिक वक्र काटने के लिए कौन सी आरी प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कंपास आरी। और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा दोस्तों, संक्रिया बड़े आकार के बोल्ट बनाने में प्रयोग होती है, यानी कौन सी संक्रिया बड़े आकार के बोल्ट बनाने में प्रयोग होती है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अपसेट लौहकारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँगा मैं। फोर्जिंग में चढ़ाव का दोष पड़ता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉक पर सेट हैमर को ठीक ना रखना। और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँगा मैं। निहाई का क्या उपयोग है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फिटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँगा मैं। ऊष्मीय उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इस्पात के आंतरिक गुणों में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, संरचना की एक रूपता हेतु सूक्ष्म कण के उत्पादन तथा यांत्रिक विशेषताओं के निखार में मदद करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मलाइजिंग। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूँगा मैं। कठोरीकृत स्टील निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के बाद ही प्रयोग में लाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्राइटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूँगा मैं। इस्पात के लिए सभी आधारभूत तापीय उपचार प्रक्रियाओं में होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आस्टेनाइट का रूपांतरण। और क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूँगा मैं। इनमें से किस धातु से तार खींचे नहीं जा सकते, यानी कि कौन सी धातु जिससे तार नहीं खींचे जा सकते? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ढलवा लोहा। ठीक है फ्रेंड, यानी कि कास्ट आयरन। और क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूँगा मैं। रेलवे पटरियों के मामले में गेज का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दो पटरियों के भीतरी फलकों के बीच की दूरी। और क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूँगा मैं। घर्षण कोण क्लच का डैश में उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिंक्रोमेस। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूँगा मैं। मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 0.00001 इंच। और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूँगा मैं। बाहरी माप को अप्रत्यक्ष रूप से मापने हेतु क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आउटसाइड कैलिपर। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूँगा मैं। निम्न में से अस्थाई जोड़ ज्ञात करें, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस फिट जोड़। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूँगा मैं। 25 mm के कैस्टल नट में स्लॉट होते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6। और 23 क्वेश्चन नंबर पे जाऊँगा मैं। ताले जिसे लॉकिंग आर्म को चलाते हुए अंदर से या बाहर से चला सकते हैं को डैश कहते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइट लैच लॉक। क्वेश्चन नंबर 24 पे आऊँगा मैं। लॉकिंग के लिए निम्न में से किस नट के साथ स्पल्ड पिन प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैसल नट। और क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूँगा मैं। जिग एक ऐसा डिवाइस है जो, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर
एंटिटी यानी कि वर्क पीस को लोकेट करता है, कटिंग टूल को गाइड करता है और वर्क पीस को क्लैंप करता है। इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूँगा, फिक्सर का क्या कार्य है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी क्लैंपिंग। ठीक है जी, जिग और फिक्सर वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जिग और फिक्सर को एक बार पढ़कर ही, चाहे ITI एग्जाम हो, CT एग्जाम हो, कोई टेक्निकल एग्जाम में जा रहे हैं आप, तो जिग और फिक्सर को 100% पढ़ के जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करूँगा मैं, जटिल आकार के वर्क पीस की ड्रिलिंग अलग अलग दिशाओं में करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए टूनियन जिग। और क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूँगा मैं, किस जिग की बॉडी स्टील के ठोस ब्लॉक से बनाई जाती है और इसका उपयोग छोटे छोटे पार्टों में ड्रिल करने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सॉलिड जिग। क्वेश्चन नंबर 29, सूचियों का मिलान करें, तो ये आप देख रहे हैं जो भी लिखा हुआ है, ये है खरात का वह भाग जो कैरिज का अंतर्विन्यास रखता है, जो गाइड बे को रोकता है, तो लंबाई के अंदर चलता है, वह भाग जो टूल पोस्ट रखता है, कटिंग भाग जो सुचलित फीड, यानी कि आप इनका कैरिज एपरन और फीड यंत्र विन्यास कंपाउंड स्लाइड से इनसे आपको इनका मिलान करना है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 है, लेथ मशीन संचालन में फीड रॉड डैश पर लगाई जाती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिक टर्निंग में कैरिज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करूँगा मैं, स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जॉब को सहारा देने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 32 की बात करूँगा मैं, एक केंद्रीय खराद में कटिंग औजार को प्रवेशित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल अनुप्रस्थ दिशा में और अनुदैर्ध्य दिशा में। ठीक है फ्रेंड्स, 33, सिरेमिक्स के लेथ कटिंग टूल डैश डिग्री सेंटीग्रेड तक सुरक्षित कार्य करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करूँगा मैं, एक टेपर की संपूर्ण लंबाई में टर्निंग करने हेतु टेल स्टॉक को स्थिर किया जाता है, जहाँ कार्यखंड के दोनों सिरों के व्यास क्रमशः D, D और d हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी D माइनस d अपॉन 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करूँगा मैं, खराद पर विभिन्न स्पिंडल गतियाँ होती हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ज्यामितीय क्रम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करूँगा मैं, लेथ मशीन में कार्यखंड पर पहले से ही मौजूद छिद्र को बड़ा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वेयरिंग। और क्वेश्चन नंबर 37 की बात करूँगा मैं, लेथ सेंटर का एक भाग टम्बलर गियर होता है, इसे इसलिए प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए फीड की दिशा बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करूँगा, ब्राउन और शार्प टेपर्स का प्रयोग सामान्यतः प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मिलिंग मशीन। और क्वेश्चन नंबर 39 की बात करूँगा मैं, किस मशीनिंग प्रक्रिया में बड़ी राशि में पदार्थ को निकाला जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मिलिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करूँगा मैं, उच्च गति मिलिंग संक्रिया के लिए किस प्रकार के मिलिंग कटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी निगेटिव रैंक। और क्वेश्चन नंबर 41 की बात करूँगा मैं, एक आदर्श चक्र A60J6B के लिए स्तंभों का मिलान करें, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करूँगा मैं, ग्राइंडिंग पहिए की संरचना का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अपघर्षी और बाउंड द्वारा गहरा अनुपातिक दूरी। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करूँगा मैं, निकाली गई सामग्री की राशि डैश में ज़्यादा होती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ड्रिलिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करूँगा मैं, व्हील से ग्लेजिंग लोडिंग या गड्ढे पड़ जाने पर उसे किस टूल द्वारा ठीक किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ड्रेसिंग टूल। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करूँगा मैं, सामान उठाने के लिए सर्वश्रेष्ठ टाई रस्सियाँ हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मनीला रस्सियाँ। क्वेश्चन नंबर 46, आजकल सड़कों पर खड़े अवैध वाहनों को उठाया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ट्रक माउंटिंग क्रेन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करूँगा मैं, 47 मिलिंग मशीन में नी जोड़ की तरह प्रयुक्त होने वाला युग्मक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सार्वत्रिक युग्मक। और क्वेश्चन नंबर 48 की बात करूँगा मैं, लेथ मशीन में प्रयोग होने वाले कई गियरों के सेट को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गियर ट्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गियर ट्रेन वाला। और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 है, मल्टी स्टार थ्रेड में लीड डैश के बराबर होती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पिच इनटू चालू होने की संख्या यानी नंबर ऑफ स्टार्ट। और क्वेश्चन नंबर 50 है, नकल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी
रेलवे कपलिंग के लिए। आईएसओ मीट्रिक थ्रेड का सन्निहित कोण क्या होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 52 की बात करूँगा, सेल्फ पियरिंग स्क्रू की मुख्य विशेषता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए पॉइंटेड होते हैं तथा डबल स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करूँगा मैं, दाबयुक्त वायु की जरूरी मात्रा वायु कक्ष से क्यूपोला फर्नेस के द्वारों से होती हुई प्रविष्ट होती है, यह द्वार डैस कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टीयर्स, यानी कि टोटी। और क्वेश्चन नंबर 54 की बात करूँगा मैं, माइल्ड स्टील का केस हार्डनिंग की जाती है, इसका कोर डैस होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नरम व चिमड़ापन में। और क्वेश्चन नंबर 55 की बात करूँगा मैं, कास्ट आयरन या ढलवा लोहा का गलनांक डिग्री सेंटीग्रेड में निम्न विस्तार रेंज में होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1150 से 1300 तक। ठीक है फ्रेंड। और क्वेश्चन नंबर 56 की बात करूँगा मैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिंक फॉस्फाइड, यानी कि चूहे का बेस। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करूँगा मैं, स्प्रिंग मटेरियल में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भंगुरता। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 58 है, चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ये सिंबल बना हुआ है, इसमें आप बचाना किया कि ये किस चीज़ का सिंबल है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फोर्जिंग। और क्वेश्चन नंबर 59 की बात करूँगा मैं, साधारण दबाव से होने वाली फिटिंग में कौन सा फिट है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पुश फिट। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करूँगा मैं, क्लियरेंस फिट कैसे रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक, यानी कि क्लियरेंस फिट धनात्मक रखा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 61 की बात करूँगा मैं, किस पद्धति में टॉलरेंस बेसिक साइज के दोनों ओर दी जाती है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाईलेटरल। ठीक है फ्रेंड्स। और यदि होता बेसिक साइज के एक ओर तो होता यूनिलैटरल। और क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर 62, होल बेसिस पद्धति में डैश? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, होल का साइज इस तरह रखा जाता है और फिटिंग के अनुसार शाफ्ट का साइज कम या ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करूँगा मैं, निम्न में से कौन सीएनसी मशीन का लाभ नहीं है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक लागत अधिक होता है। और क्वेश्चन नंबर 64 की बात करूँगा मैं, पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ड्रिलिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करूँगा मैं, एनसी मशीन पर टूल सेटिंग डैश यूनिट पर की जाती है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्री सेटिंग डिवाइस। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करूँगा मैं, सीएनसी लेथ में बिल्ट इन कोऑर्डिनेटिंग मेजरिंग सिस्टम होता है, इस सिस्टम में डैश को जीरो पोजीशन कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मशीन जीरो पॉइंट। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करूँगा मैं, सीएनसी मशीन में जीरो ऑफसेट का माप लेते समय मशीन डैश मोड में होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉग में। ठीक है फ्रेंड। ये MDI जॉग ऑटोमेटिक प्रीसेट, ये आप जब कोई सीएनसी मशीन चलाएंगे तो आपको इन सब की नॉलेज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करूँगा मैं, भारी फोर्जिंग के लिए स्लेज हैमर प्रयोग किया जाता है, यह भार में डैश से डैश केजी होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 से 10 kg। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्लेज हैमर कितने वेट का होता है, तो भी 2 से 10 kg। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करूँगा मैं, चीजल का प्रयोग ठंडी या गर्म स्थिति में धातु को काटने में होता है, चीजल का कटिंग पॉइंट एंगल जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बेज एंगल के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करूँगा मैं, नीचे दर्शाया गया चीजल के प्रकार का नाम बताइए, डायग्राम का क्वेश्चन तो आपको एक ना एक जरूर देखने को मिलेगा ही। तो ये डायग्राम आपको पहचाना है कि चीजल का किस प्रकार का टाइप है ये? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाफ राउंड नोज चीजल। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करूँगा मैं, दिए गए स्नेहक में से स्प्रिंग कंप्रेसर टाइप ग्रीस कप है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करूँगा मैं, निम्न में से कौन सा TPM की आवश्यकता में नहीं होता? TPM का मतलब होता है दोस्तों, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बेहतर सेहत और सुरक्षा। नंबर 73 की बात करूँगा मैं, लोडेड व्हील को डैश द्वारा ठीक किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ड्रेसर के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 74 की बात करूँगा मैं, व्हील की बैलेंसिंग की जाती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्हील की प्रत्येक सपोजिशन पर एक समान भार करने के लिए। ठीक है फ्रेंड।
क्वेश्चन नंबर 75 की बात करूंगा मैं, ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड को निर्धारित करता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बंधन। तो फ्रेंड ये चौथा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया, 3 सेट मैंने आपको पहले ही दे कंप्लीट करके दे रखे हैं और मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उन सेट को एक बार जरूर अध्ययन करें क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ITI एग्जाम, CTI एग्जाम है, कोई भी टेक्निकल एग्जाम यदि आप देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चन को देख कर ही जाएँ, ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और दोस्तों यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपको कहीं भी कुछ इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको गलती देखने को मिलती है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पे बहुत बहुत वीडियो अपलोड हैं, आप उनको देख सकते हैं, मोटिवेशन की वीडियो भी हैं और उसमें जो मैथ की वीडियो हैं, शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो हैं, आप उन्हें देखें, उनका बार बार रिवीजन करें जिससे आपके मैथ अच्छा हो सके, क्योंकि उसमें मैथ के भी क्वेश्चन CTI एग्ज़ाम में आपको कुछ देखने को मिलेंगे, तो आप मैथ का रिवीजन भी कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को आप बार बार देखें। ये 4 सेट हो गए हैं और इससे पहले भी 5 सेट और अपलोड कर रखे हैं मैंने।